हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द म्यूजिक रूम। मैं हूं आरजे उर्मिन आपके साथ और आप हमें देख रहे हैं लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज विच इज hangama.com एंड एज वेल एज ऑन आवर artistallowed.com फेसबुक पेज। देखिए वैसे तो मुझ पर आरोप लगा रहता है कि मैं जब बात करती हूँ तो मुझे रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करते करते मेरे लिए शब्द जो है वो कम पड़ जाते हैं। उनमें से एक आज हमारे साथ बस यहीं पर इस म्यूज़िक रूम में बैठे हैं, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि इनकी आवाज़, इनके गाने का अंदाज़, इनकी हरकतें ही बस इनका इंट्रोडक्शन है, जावेद अली। थैंक यू उर्मिन, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ में। इतना मजा आता है, मैं अभी उर्मिन की तारीफ करना चाहूंगा। इतना मजा आता है, इतना एक पॉजिटिविटी चारों तरफ छाई रहती है जब आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लिविंग रूम में बैठकर आज हम गपशप करने वाले हैं। म्यूजिक रूम में आपका स्वागत है एंड स्पेशली आज जावेद अली हमारे साथ इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन इनका ब्रांड न्यू सॉन्ग जो है वो लॉन्च हुआ है एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग। ये आपका दूसरा सिंगल है, इट हैज़ टू बी रियली स्पेशल क्योंकि जावेद अली ने इसे गाया और कंपोज भी किया है। कुछ बताएं आपके सिंगल के बारे में। बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ऐसे मैं कोई कंपोज करने के लिए तो बैठा नहीं था कि मैं अभी ये गाना अभी सेकंड सिंगल में रिलीज़ करने के लिए बैठूंगा और कंपोज करूंगा। ऐसे कुछ मन में एक कुछ क्रिएशन आया, मैं कहीं जा रहा था और मुझे अच्छे लगे नोट्स, तो मैंने इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में जैसे जैसे डेवलप करता गया तो मेरे जहन में ये बात आने लगी कि क्यों ना मैं एज अ सिंगल इसको रिलीज़ करूँ और आफ्टर रंगरेजिया, बिकॉज रंगरेजिया को बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच, तो क्यों ना इस गाने को हम लोगों के सामने लेकर आए। तो उसके बाद में फिर ये गाना बनता गया, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया इसका वक्फा। कई बार ऐसा हुआ कि इस गाने का जो ट्रैक है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन वो थोड़ा मुझे उतना ज़्यादा अपील नहीं किया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो दो बार ट्रैक्स भी हम लोगों ने बना के और फिर रीअरेंज किए, तो फाइनली ये जो वर्जन है वो रिलीज हुआ है और आज यूट्यूब पे ये रिलीज हो चुका है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि रंगरेजिया में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी तरह आप तो ये सुबह नहीं इस गाने को भी। गाने का नाम है तो ये सुबह नहीं और ये गाने का जो टाइटल है यही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और मुझे लगता है शायद आपने ये जानबूझकर किया है ताकि हम एक्चुअली चेक करें कि एग्जैक्टली क्यों है इस गाने का नाम तो ये सुबह नहीं। एक्चुअली फ्रेंकली आपको बताऊँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है बस क्योंकि ये गाना, ये जो लाइन्स हैं ये गाने में कई दफ़ा आती हैं। ओके, तो मुझे इस गाने का टाइटल मिल नहीं रहा था, मैं सोच रहा था क्या रखूँ, तो अब जो वर्ड तीन चार बार आता हो Correct. उसकी रिपीट वैल्यू हो जिस वर्ड की, तो जाहिर सी बात है वही टाइटल रखना है तो ज़्यादा लोगों को समझ में आता है, इस वजह से मैंने ये टाइटल। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस गाने से हम शुरुआत करते हैं ताकि ये जो रिपीट वैल्यू है वो और भी दुगनी हो जाए एंड बढ़ती जाए व्हाइल यू गाइस आर वॉचिंग अस लाइव राइट नाउ। ज़रूर। तो ये सुबह सुबह नहीं, 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 तो नहीं, तो ये सुबह सुबह नहीं, तो नहीं, तो ये सुबह सुबह नहीं, आंखों में आ जरा मुझको जगा जरा, क्या तू बुला मुझे ख्वाब में, ओ डर के ये दिल कहीं मेरी निगाहों में है ये नजर ये सुबह सुबह नहीं। वाह,
वाह 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 वाह, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और उस रुकावट में जो प्यार है, वो तू में जो प्यार है, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच जावेद जी, लव्ड द कंपोजिशन। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मैंने ना ये जो तू जो है, हाँ मैंने ये हरकत जो है ना वो पर्पसली रखी है, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा कुछ नयापन लगता है। नहीं, वो आपका स्टाइल है वो, आई लाइक दैट। तो मैं उसको ना ऐसे भी कर सकता था, तू तू नहीं, सिंपल हो जाता था। करेक्ट। लेकिन क्या है ना कहीं एज अ म्यूजिशियन मेरी ये ड्यूटी बनती है कि ना कुछ ऐसा भी किया जाए कि जो मास को भी पसंद आए और जो सुनने वाले लोग हैं, जो म्यूजिक की जानकार हैं, उनको भी पसंद आए। तो हालांकि इसको मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं इस बात को, लेकिन कई लोगों को शायद ये भी लगेगा कि मशीन से तो नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने गा के बताया कि मैंने गाया हुआ है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक सुर बिल्कुल बिल्कुल सुनने में आएगा। ऑफ कोर्स सुनने में आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है, लव्ड इट। अब हर बार जब इस गाने को सुनेंगे तो हम उसका इंतजार करेंगे, बस तू का। अब लग रहा है गाने का नाम तू होना चाहिए था, बहुत ही अच्छा हो जाता। और मैं होना चाहिए। लेकिन कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तब इससे पहले रंगरेजिया गाना आया था जिसके लिए आपको बहुत बहुत प्यार मिला था। आपने एक्सपेक्ट किया था दैट यू नो यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर, आज के ज़माने में जहाँ पर सिंगल्स उभर रहे हैं, बहुत बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। कहीं ना मुझे ऐसा मेरे जहन में ये बात थी कि जो बात दिल से निकली होती है वो दिल तक ज़रूर पहुँचती है, और मुझे लगा था कि अगर ये गाना सही प्रमोट हो गया या इसका प्रमोशन अच्छे से हुआ या लोगों को सुनने को मिला तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट करेंगे। और लेकिन इतना एप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने, इतना ज़रूर सोचा था कि अच्छा लगेगा, और वो अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट इस गाने की भी आ रही है, रंगरेजिया की भी, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्ले रंगरेजिया। जी जी जी। रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, तेरे बहाने से मनाने से नाने से जागे जगाए घबराए जिया, बातों बातों में रुठ जाने से मनाने से क्यों बेबसी पे मुस्काए जिया, रंगरेजिया तूने किया तो क्या किया, रंगरेजिया ने किया तो क्या किया। एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मैंने इतनी बार आपको इंटरव्यू किया है, बट एवरी टाइम इट फील्स फ्रेश, यू नो, एंड आई जस्ट कांट स्टॉप यू नो इंटरव्यूइंग हिम, इट्स अमेजिंग। जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी ये पता होगा कि अगर जावेद अली जी है तो आरजे उर्मिन भी है, एंड आई एम ऑनर्ड, ऑनेस्टली आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड कि अच्छा जावेद जी का इंटरव्यू ना, हाँ उर्मिन तो होगी ही, तो दैट्स द थिंग दैट आई गेट, यू नो, कि अच्छा जावेद जी परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स सो कूल। लेकिन जब बात आपके गानों की आती है जावेद जी, तो शब्दों का एक बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, रंगरेजिया हो जाए, या फिर एक खास गाना याद आता है फ्रॉम द फिल्म गजनी, गुजारिश। इस शब्द को भी इतने प्यारे अंदाज में गाया है, कंपोज किया है यार रहमान ने, सो हाउ स्पेशल इज दिस सॉन्ग फॉर यू? मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब ये गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो आमिर सर भी वहाँ पर मौजूद थे, तो एक वर्ड था टकराना जाऊँ कहीं, फर्स्ट अंतरे में, तो आमिर सर ने मुझे बोला था कि टकरा ना जाऊँ, बिकॉज ना ऑलरेडी वर्ड इतना पावरफुल है। Correct. और अगर उसको आप ओवर पावर से गाओगे तो वो बहुत ज़्यादा कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो टकराना जो वर्ड है वो आपको सॉफ्टली गाना है, तो अच्छा। एक नया चीज़ मुझे सीखने को मिली थी कि क्योंकि वर्ड इतना डेप्थ है उस वर्ड में, तो उसको अगर सॉफ्टली भी गाएंगे तो वही इम्पैक्ट आएगा। Correct, तो correct. इस तरह से वो गाने और आमतौर पर नेचुरली अगर आप टकराने की बात करते हैं तो आप हमेशा उसको पावरफुल तरीके से, अरे यार मैं टकरा गया उससे, यार टकरा गया यार, हाँ टकरा गया, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब मुझे वो बातें याद हैं, और ये गाना हम लोगों ने कुछ चार या पांच डिफरेंट मुखड़े प्रसून सर ने दिए थे,
जिनमें से ये गाना, ये मुखड़ा फाइनल हुआ था। तो हो जाए प्लीज। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को राज राज अब तो। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को राज राज अब तो। तू आ जा पास पास, है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग। तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग। है गुजारी कह दे तू हाँ तो जिंदगी छलनों से छूट के हंसेगी। मोती होंगे मोती राहों में, ये ये ये। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो। तू आ जा पास पास, है गुजारी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जहाँ एक तरफ ए आर रहमान जी है जिनके साथ आपकी जोड़ी बहुत कमाल की रही है, वहीं दूसरी तरफ है द वंडरफुल प्रीतम जी। जी, दोनों के स्टाइल में आपको क्या खास बात लगती है? प्रीतम दा का हमेशा जो भी मैं गाने गाता हूँ वो मुझसे थोड़े से ना हाई नोट्स के गाने अच्छा ज़्यादा गवाते हैं प्रीतम दा। और इस तरह रहमान सर के गाने में एक अलग अंदाज होता है मेरा। उसी तरह प्रीतम दा के जो भी गाने मैंने गाए हैं वो टचवुड लोगों को बहुत पसंद आए। आई थिंक रहमान जी के साथ आपका एक सूफियाना अंदाज होता है, एंड प्रीतम दा के साथ देयर इज लाइक अ कमर्शियल बॉलीवुड रोमांस एंड एवरीथिंग। तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। Correct. जो भी गाना गाते हैं तो वो, अभी जैसे मैंने ट्यूबलाइट का भी उनके लिए गाना किया था प्रीतम दा के लिए, या रईस के लिए भी किया था मैंने गाना। तो वो एक अलग अंदाज के गाने, उस अंदाज का गाना होगा तो वो जावेद को गवाएंगे ऐसा। जैसे तुझो मिला एक गाना है बजरंगी भाईजान का, और वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था और मुझे कॉल आया और कहा गया कि प्रीतम दा के 10 मिस कॉल और 10 मैसेजेस, प्लीज़ कॉल, इट्स प्रीतम, प्लीज़ कॉल। तो मैंने जब मोबाइल ऑन किया और मैंने कहा यार इतने सारे मैसेज हैं तो कुछ काम होगा। मैंने कॉल किया, हे जावेद देर आर यू, ऐसा कॉल किया। तो मैंने कहा दादा मैं फला, हे आर यू कमिंग टुमारो, ओके ओके, कम टू स्टूडियो, वी वांट टू डब दिस सॉन्ग अर्जेंटली। तो ये गाना ऐसे रिकॉर्ड किया और उन्होंने कहा मुझे कि इस गाने को अपना अंदाज दो, तुम किस तरह से इंटरप्रेट मतलब किस तरह से इस गाने को पेश करोगे। तो मैंने अपने अंदाज में इस गाने को पेश किया और बहुत लोगों ने लाइक किया। सच अ गुड फीलिंग ना, जब आपको फ्रीडम दिया जाए। हाँ, मतलब तुम क्या सोचोगे इस गाने, ये गाना, ये कंपोजिशन है। जब कोई कंपोजर इस तरह की फ्रीडम देता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा एक दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के रख दिया जाए उस गाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ना अपने काम में, सभी लोग बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन मेरा ऑलवेज ये थॉट रहता है कोई भी गाना जब भी मैं गाने के लिए जाता हूँ कि ये मेरा पहला गाना है। वाह 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 वाह। और मैं कंपोज़र जो बताता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ कई दफ़ा, जो कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जावेद कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो, लेकिन मेरा एक नेचर है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ इनपुट्स दे सकता हूँ उस गाने के अंदर, तो क्यों नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैंने बजरंगी भाईजान के इस गाने में भी अपना एक हल्का सा, एक जो होता है ना, एक हल्का सा एक साइन हर गाने में होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए, जो कि मैं सीखा हूँ, मैं मतलब सीख रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लता जी की एक बात मुझे बहुत दिल में घर करती है कि हमारे म्यूजिशियंस, हमारे जितने म्यूजिशियंस उनसे मैं सुनता आया हूँ कि उनके गाने में ना कहीं इतना सा एक साइन रहता है कि लता जी, ये है लता मंगेशकर। तो मैं वो अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं मैं सफल हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोशिश रहती है। तो बस आज भी इस कोशिश को, ये गाना मैं आपको। हाँ। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल।
क्योंकि तू धड़कन मैं दिल आशियाना तेरा साथ मेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबदाना तेरा साथ मेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला दो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल This goes out to all your fans, really. ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप धड़कन हैं वो दिल हैं थैंक यू रियली इट्स लवली गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक मुझे पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है और आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे जितनी हो सके उतनी हम गाने गवाएं लेकिन खास तौर से आज जावेद जी आए हैं अपने ब्रांड न्यू गाने के लिए एंड फॉर दैट यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ लव इस गाने का नाम है तो ये सुबह नहीं और आज ही के दिन इस गाने को लॉन्च किया गया है एंड देयर इज ऑलरेडी बीन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स अबाउट इट अब इस सेशन के बाद तो मुझे यकीन है एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो एंड हियर इट अगेन फॉर दैट वो रुकावट वो हरकत वो रुकावट वो बरकत हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे आपने कहा कि आप हमेशा अपनी एक सिग्नेचर छोड़ देते हैं आप किस तरीके से किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं गाना नहीं सुनना मैं थोड़ा मेरा जो जो सोच है म्यूजिक के लिए वो थोड़ा सा ना ऑफकोर्स मैं वेस्टर्न बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा इंडियन क्लासिकल गाने बहुत ज़्यादा पसंद है जैसे मैं पर्सनल अगर सुनता हूँ तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब उस्ताद बरकत अली खान साहब उस्ताद अमीर खान साहब और कौस लता जी मोहम्मद रफ़ी साहब रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो ये इस तरह का म्यूज़िक मैं अगर फिल्म का म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं रेट्रो में ये इन लोगों को सुनता हूँ और वैसे मैं क्लासिकल सुनता हूँ और वेस्टर्न में ऑफकोर्स जो भी ट्रेंडी है वो मैं सुनता रहता हूँ मैं हमेशा ऐसे गाने सुनना पसंद करती हूँ जो बहुत कम लोग सुनते हैं मगर उसमें वो अलग बात होती है जो दिल को छू जाती है एक ऐसा गाना है जिसे हमने आपके शोज़ में ज़्यादातर सुना नहीं है मगर मुझे बहुत पसंद है और आज ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म रावण रांझा रांझा हाँ ये गाना हम लोगों ने स्टेज पर भी बहुत रेयरली जब रिलीज़ हुआ था तब गाया था और उसके बाद में हम लोगों ने मुझे याद है मैं अभी 2016 में यूनाइटेड नेशन में रहमान साहब के साथ में परफॉर्म कर रहा था तो मैंने वहाँ ये गाना गाया था और इस गाने का एक अलग वर्जन वहाँ पे रहमान साहब ने रिक्रिएट किया था वो म्यूजिक लवर्स तक पहुँच जाता है गाना एंड देन व्हेन दे हियर यू सिंगिंग इट दे लाइक अरे बॉस दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर तो कुछ बताएं इस गाने की क्या कहानी थी ये गाने की कहानी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है लेकिन जब मैं रहमान साहब के यहाँ गया तो एक स्क्रैच रिकॉर्ड हो रहा था और वो था रॉकस्टार फिल्म के लिए अच्छा और उस टाइम पे सबसे पहला गाना जो मुझसे गवाया गया था वो यही गाना था जश्न रॉकस्टार दिस वाज फॉर रॉकस्टार और तब जश्न ये भी जोधा अकबर फिल्म भी नहीं आई थी और मैं एज अ न्यू कमर वहाँ पे अपना गाना सुनाने के लिए गया था रहमान साहब को और ये गाना उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर स्टूडियो के बाहर वेट कीजिए फिर 15 मिनट बाद उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया और ये गाना मुझसे गवाया और एज अ स्क्रैच ये रिकॉर्ड हुआ था और ये रिकॉर्ड होने के बाद में जब इम्तियाज़ सर ने ये सुना मेरी वॉइस सुनी तो तब तक मैंने नगाड़ा नगाड़ा भी नहीं गाया था अच्छा तो वो वॉइस सुनने के बाद में प्रीतम दा को बोला कि वो जावेद अली करके रहमान साहब के यहाँ एक सिंगर सुना था नगाड़ा नगाड़ा उससे गवाते हैं हम लोग तो वो गाना मिला ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ पता नहीं ये गाना ऐसे ऐसे बनता चला गया तो ये गाना मैंने पहला गाया था रहमान साहब के लिए एज अ स्क्रैच बट रिलीज जश्न बहारा हूँ ऑफकोर्स तो जाहिर सी बात है आप उसकी कुछ लाइन सुनना चाहिए जी जी ऑफकोर्स ऑफकोर्स ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है थोड़ा पानी पी सकता हूँ जरूर जरूर प्लीज पानी देयर इज ग्रीन टी आल्सो फॉर यू
एंड जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यू आर ऑल्सो वॉचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक. hangama.com पेज है, artistallowed.com पेज. थैंक यू सो मच. प्लीज शो योर लव बाय शेयरिंग दिस वीडियो. एंड वी हैव गॉट जावेद अली लाइव एट द म्यूजिक रूम. मैं इसका कुछ अलग वर्जन आपको सुनाता हूँ. ऑफ कोर्स. जैसे कि आपको याद होगा कि एक हम लोगों ने MTV अनप्लग के लिए प्रीतम दा का एक गाना किया था, कमली. उसमें एक अलग वर्जन मैंने गाया था. और इस गाने के लिए भी हम लोगों ने इसी तरह का कुछ किया था. तो मैं आपको सुनाता हूँ. जिन्या तन तेरे ते लगिया, तेरे एक लगे ते तू जाने. जिन्या तन तेरे ते लगिया, तेरे एक लगे ते तू जाने. गुलाम फरीद की वसना, जिथे यार नजर ना आवे. रांझा रांझा ना कर हीरे, जग बदनामी होए. सदोनी मैनू दी दो रांझा, हीर ना खो खोए. हो रांझा रांझा ना कर हीरे, जग बदनामी होए. सदोनी मैनू दी दो रांझा, हीर ना खो खोए. बेगुना पकड़ा गया, इश्क में जकड़ा गया. आंख के दोष में दिल बेगुना पकड़ा गया. आंख से हटती नहीं, अरे हटती नहीं, अरे हटती नहीं. सोते सोते बोलता हूँ, कभी बोलते बोलते सोता हूँ. क्या जाने क्या होता है, कभी जलते आग डटोलता हूँ. एक बार दो आगे देगे वो भी. रांझा रांझा ना कर हीरे, जग बदनामी होए. सदोनी मैनू दी दो राजा, हीर ना खो खोई. रांझा रांझा ना कर हीरे, जग बदनामी होए. सदोनी मैनू दी दो राजा, हीर ना खो खोई. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू सो मच. ये मतलब दिस वॉज द हाईलाइट. एंड ऑल्सो यू गॉट अ ग्रेट गिटारिस्ट विद अस सर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. मनीष जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन हैं. मनीष जी आपके साथ बहुत बार परफॉर्म भी कर चुके हैं. मनीष जी हमारे साथ रेगुलरली परफॉर्म करते हैं और बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन हैं. सो नाइस. मनीष जी और जावेद जी का साथ जो है ये एक फैमिली है. तो आप जब जब जावेद जी को देखेंगे तो मनीष जी हमेशा नजर आते ही हैं. इट्स लाइक अ थिंग यू नो कि रहना ही है अक्सर. हाँ, और एक तीसरी लड़की भी रहती है हमेशा. वो मैं भूल गया हूँ. मैं सही बात आपने कैसे बोल दी, मेरे दिल की बात कह देती हूँ. लेकिन मुझे लगता है ना, लिरिसिस्ट और कंपोजर जावेद जी हमेशा ना आपको चैलेंज करते हैं कि किस तरीके से हम आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालें. और देखते हैं, जैसे रांझा रांझा इस गाने में ऐसे शब्द हैं और ऐसे लाइनें हैं और ऐसे कॉम्पोजिशन में एक लहर उठती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है. देयर इज सो मेनी, सो मच ऑफ वेरिएशन. एंड आप उसे ऐसे गा लेते हैं जैसे कि बस हम, ये तो यूजुअल है, ये तो रोज का है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये गाना ना रिकॉर्ड हो रहा था तो रहमान साहब ने इतने फ्रीडम दी थी ना मुझे. हाँ. गाने के लिए कि मैं वही बात दोबारा रिपीट करने वाला करूँगा कि मुझे ये लगा कि जावेद इसके बाद में कोई गाना नहीं मिलने वाला है, ये गाना तुम्हारा लास्ट गाना है और इसको कितना अच्छा कर सकते हो. हाँ. वो करो. हाँ. तो ये थॉट मेरे दिल में हमेशा रहता है. ऐसा ही एक गाना और एक है, अगेन ए आर रहमान कॉम्पोजिशन, और गाना है रांझना का तुम तक. सी लाइक आई सेड, यू नो, इस गाने में भी वही बात है कि आपको एक ऐसे चैलेंज दे दिया है कि एक शब्द तुम तक, दो शब्द को कैसे आप वेरिएशन में ला सकते हैं. ये गाना लिखा है द वन एंड ओनली इरशाद कामिल साहब ने, एंड द वन एंड ओनली रहमान साहब का कंपोजिशन. क्या बात है, परफेक्ट. और ये गाना भी मेरा बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट गाना है. इस गाने की कुछ जी सर. हाँ.
बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू तक सोने यार तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। There is magic being created here. ये चेंज करके हमें मैजिक रूम बनाना पड़ेगा इसका नाम, फ्रॉम म्यूजिक रूम टू मैजिक रूम। ये एक रिक्वेस्ट है मैं आरजी उर्मिन आपको देना चाहूंगी, प्लीज एवरी टाइम जावेद अली कम्स वी हैव टू चेंज दिस रूम फ्रॉम म्यूजिक रूम टू द मैजिक रूम। रियली इट्स अमेजिंग जावेद जी, Honestly, this interview can just go on and on, और फिर से वही लगेगा कि ये fresh है, but मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी that please let's end this interview again with your brand new song, जिसे हम यही दुआ करते हैं बहुत बहुत प्यार मिले, और ऐसे ही आप बॉलीवुड के साथ साथ आपके जो सिंगल्स हैं आपके कॉम्पोजिशंस हैं वो हमेशा ही हमें देते रहें। और मैं एक बात और एड ऑन करना चाहूँगा कि एज अ म्यूजिशियन मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचता रहता हूँ कि मुझे करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ऐसे जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंपोज करूँगा। ये तो हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा बन पड़ा तो लोगों ने लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो मैंने मेरा एक हौसला बढ़ता है कि आप कुछ करो। Absolutely. और मेरे जहन में कुछ बातें हैं कि जैसे मैं अभी नेक्स्ट कुछ भी आऊँगा इसके बाद में तो वो भी कुछ अलग, जैसे रंगरेजिया एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना था, ये थोड़ा सा ना इस गाने के थोड़ा ग्रूवी है, गाना ग्रूव है इस गाने के अंदर। जो नेक्स्ट गाना होगा वो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मेरे जहन में है कि मुझे क्या करना है। okay. तो वो एक अलग अंदाज में मैं आऊँगा, और यही उम्मीद करूँगा कि जितना आप प्यार मुझे अब तक देते आए हुए इस गाने को भी इस म्यूज़िक को भी आप उतना ही प्यार देंगे, और बस आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आपको कैसा लगा, हो सकता है मैं कुछ और बेहतर करूँ। ऑफ कोर्स लेकिन इस गाने से हमें ऑलरेडी प्यार हो गया है, और मुझे लगता है जितने लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ मेरी तरह आप भी इंतज़ार कीजिए जब वो शब्द आता है तू, और उस पर जो हरकत होती है वो यू कांट मिस इट, यू विल फॉल इन लव विद इट। सो मैं गा के बताता हूँ, चलिए वो तू नहीं, तो इसको ना कई लोगों को लगेगा कि ये शायद मशीन से किया गया है। हाँ, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं गा के बता रहा हूँ। आपके फैंस को बिल्कुल मालूम है कि ये आप ही कर सकते हैं। सो यस वी मस्ट एंड इट विद दिस नंबर अगेन। ओके। तो ये सुबह सुबह नहीं, तो ये सुबह सुबह नहीं, I'll sing with the antra actually. Okay. Let's go for it. Bhigi, bhigi si yaadein, yaadon se bhiga saaz hai. Oh yeah, wo ga raha hai, jo tere dil mein raaz hai. Tu de de sada. तेरा पता मांग लूं, ओ तू हो रूबरू तो आरज़ू मांग लूं, तू है जमीन मेरी तू आसमां मेरा, तू मेरी जीत में हार में तू, सुबह सुबह नहीं, आँखों में आ जरा मुझको जगा जरा,
या तू बुला मुझे ख्वाबों में, ओ धड़के ये दिल कहीं मेरी निगाहों में है, ये नजर तेरी राह में, तू तू नहीं तो ये सुबह सुबह नहीं, सो ये सुबह सुबह नहीं, तो ये सुबह सुबह नहीं, तो ये सुबह सुबह नहीं, तो ये सुबह सुबह थैंक यू वंस अगेन जावेद जी. ऑनेस्टली इट कम्स नेचुरली टू हिम कैसे लोगों के दिल तक पहुंचना, कैसे अपना रास्ता बनाना अपने हरकतों से, अपने आवाज़ से, अपने अंदाज से. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इट्स बीन अ प्लेजर एज यूजुअल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जावेद अली विथ हिज ब्रांड न्यू सॉन्ग तो ये सुबह नहीं. जरूर इसे चेक कीजिएगा. यू कैन ऑफकोर्स डेफिनेटली चेक इट अप ऑन आर हंगामा पेज. एंड दैट वाज मी आरजे उर्मिन साइनिंग ऑफ. आप हमें देख रहे थे लाइव ऑन फेसबुक, ऑन आर हंगामा डॉट कॉम फेसबुक पेज एंड artistallowed.com too. थैंक यू सो मच. दैट वॉज म्यूजिक रूम विद जावेद अली. थैंक यू.